के बढ़ते दामों ने ऐसी आग लगाई हुई है कि आम आदमी त्रस्त हो गया है। हर रोज बढ़ते तेल के दामों ने आम आदमी का तेल निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर सियासत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? मुद्दा मिलना चाहिए, बयान तो दे ही देंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हम चुप नहीं बैठे हैं, हम हर जगह आवाज उठा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से किसान और आम आदमी पर मार पड़ रही है। हरियाणा सरकार ने भी वेट डबल से ज्यादा कर दिया है। इस पर सरकार को बढ़ाया हुआ वेट वापस लेना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले। इतना ही नहीं, हुड्डा ने कहा कि सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर कमाई का साधन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वेट कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। पेट्रोल डीजल के दाम से आम आदमी काफी आहत है, वहीं विपक्ष सारा चुप बैठा है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई विपक्ष चुप नहीं, आवाज हर जगह उठा, आवाज उठा रहे हैं और हर रोज पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ रही है और ये किसान पर भी बहुत मार पड़ रही है, आम आदमी पर मार पड़ रही है और खासतौर पर जो हरियाणा सरकार है इसने भी जो वेट डबल से ज़्यादा कर दिया हमारे समय, तो कम से कम हरियाणा सरकार को तो अपने वो बढ़ाया हुआ वेट वापस लेना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। सर, क्या लगता है कि टोल टैक्स बंद है, कहीं उसका पैसा भी इसमें जोड़ के एड ऑन किया जा रहा है? ये तो जो बताया ना, जब टोल ये वेट ही डबल से ज़्यादा कर दिया है, हरियाणा सरकार को टोल टैक्स हरियाणा सरकार को थोड़ा मिलता था, लेकिन इसको कमाई का साधन ना बना के लोगों को राहत देनी चाहिए ताकि किसान को कुछ राहत मिले और इसकी वजह से जितनी इसके दाम बढ़ रहे हैं, खाद की भी कीमत बढ़ेगी, पेस्टिसाइड्स की भी बढ़ेगी और महंगाई बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। सर, एक करनाल में नगर निगम का घोटाला सामने आया है, नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाला, उससे पहले भी कई घोटाले हुए लेकिन अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई आज। सरकारी घोटाले हुए हैं जब से बनी सरकार, घोटाले पे घोटाला, घोटाला के और कोई विकास का काम तो किया नहीं सरकार। पार्षद कहते हैं भी उनकी चलती नहीं है, भाजपा के पार्षदों की नहीं चल रही। मुख्यमंत्री आज मुलाकात करने पहुंचे उनसे, पार्षदों से। तो मैं कह रहा हूं ना, ये घोटाले कितने रोज एक घोटाला निकलता है इनका। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी और वेट लगता है उससे जनता के ही विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा वेट और राज्यों से कम है और इसे और भी कम नहीं किया जा सकता है। सुनिए मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनता आप लोगों से उम्मीद कर रही है, यानी कि सरकार से उम्मीद कर रही है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, क्योंकि ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इम्पोर्ट होता है और इम्पोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके, और मार्केट के हवाले सारी चीज़ें हैं, डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4-5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के और कभी डाउन भी गया था और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है, तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया है कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे, तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ में लिया जाता है वो जनता के हित में ही आता है काम। अगर इसमें से मानो रेवेन्यू कल को वैट अथवा एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, थोड़ा सस्ता होता है, तो वो पैसा जनता के जो काम आने वाला है वो काम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें संतुलन बैठाने के लिए केंद्र सरकार हमेशा इसके ऊपर नज़र रखती है और ये चूँकि केंद्रीय नीति से ही सारा चलता है। स्टेट्स का जहाँ तक विषय है, हमारा वैट बाकी स्टेट से काफ़ी कम है, हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे, तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रखना पड़ता है, उसमें से स्टेट को भी एक जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू से जनता का ही काम। एसआरओ क्या कहना चाहेंगे, जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट का मामला सामने आया जिसमें रजिस्ट्रियां हो गई और मामला भी दर्ज हो गया है? मामला दर्ज हुआ है, संविधान में है, मामला दर्ज हुआ है, जब दर्ज हुआ तो उसके ऊपर पूरा जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों करनाल के नगर निगम में नो ड्यू सर्टिफिकेट में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर करनाल में FIR भी दर्ज हो चुकी है। यहाँ बता दें कि इस पर CM मनोहर लाल ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ भी आक्रामक मूड में नजर आए।
उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार आई है तब से घोटाले हो रहे हैं, विकास कार्य तो कोई हुआ ही नहीं है। बताते चले कि दोनों सक्रिय पार्टियों के बड़े नेता आज करनाल में एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आए, पर जनता पेट्रोल डीजल के दामों के बीच पिस रही है। देखना होगा कि कब तक राहत मिलती है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।